पब्लिक स्पीकिंग, लोगों के सामने बोलना, क्या हुआ? सुनने के साथ ही थोड़ा डर लगा, थोड़ी दिल में धक-धक हुई। जी हाँ, पब्लिक स्पीकिंग इज ए चैलेंजिंग थिंग बट वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल। तो इस वीडियो में आपसे शेयर करता हूँ 5 ऐसी बातें जिससे आपको पब्लिक स्पीकिंग में या एज अ पब्लिक स्पीकर आपको हेल्प मिलेगी। मैं रविश मल्होत्रा किलिंग गुरु के व्यापार पे आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, सबसे पहले बात तो ये जान लीजिए, नो स्पीकर इज परफेक्ट, एवरी डे इज अ न्यू डे, एवरी लर्निंग इज अ न्यू लर्निंग। जितनी आप प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना ही आप ज्यादा बेहतर बोल पाएंगे और क्राउड को फेस कर पाएंगे। मैंने अब तक अपने करियर से, अपने 18 साल के करियर से यही सीखा है कि इट्स ओके टू बी नर्वस, प्रैक्टिस करिए, आगे बढ़िए, हर दिन नया दिन है, जितनी लर्निंग ले सकते हैं उतनी लर्निंग लीजिए। तो 5 बातें मैं आपसे वीडियो में शेयर करता हूं। पहला, बी प्रिपेयर्ड फॉर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, डिफरेंट चैलेंजेस। जी हाँ, कभी चेयर ठीक से नहीं लगी होगी, कभी एसी का टेम्परेचर ठीक नहीं होगा, ऑडियंस वेरिड हो सकती है, ऑडियो सिस्टम ठीक से काम नहीं करेगा, हो सकता है कभी माइक भी ठीक से काम ना करे। आपकी बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रिपरेशन के बाद भी ऑन ग्राउंड ऑन रियलिटी कुछ ना कुछ गड़बड़ होने का चांस है। अपने बैक ऑफ द माइंड हमेशा ये बात रखिए। रिमेंबर द मेन थिंग, द मेन ऑब्जेक्ट इन अ पब्लिक स्पीकिंग इज यू, आपका कॉन्फिडेंस। अभी कॉन्फिडेंस की बात आगे करेंगे। आगे आपका कॉन्फिडेंस अगर नहीं हिला तो ऑडियंस का ट्रस्ट आपके ऊपर से नहीं हिलेगा। रेस्ट थिंग्स आर जस्ट मटेरियल, दे आर जस्ट हेल्पफुल थिंग्स, थिंग्स विच हेल्प यू आउट इन योर स्पीच। तो बी रेडी फॉर डिफरेंट चैलेंजेस इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, गिव योर बेस्ट। जी हाँ, यही दूसरा मेरा टिप है, गिव योर बेस्ट, डोंट पुट योर फुट डाउन, प्रिपरेशन अच्छी रखिए, नो कॉम्प्रोमाइज इन एनी सिचुएशन, डोंट लेट द गार्ड डाउन। ये नहीं कि अरे मैं तो इतनी सारी स्पीचेस दे चुका हूं, मैं तो 75 स्पीचेस दे चुका हूं, मैं तो 80 स्पीचेस दे चुका हूं, मैं तो 90 स्पीचेस दे चुका हूं, तो आई कैन रिलैक्स। अगर आपने एक ही टॉपिक पे, मैं कह रहा हूं, 100 बार भी बोला है तो 101वीं बार भी आपकी उतनी प्रिपरेशन होनी चाहिए या बल्कि उससे बेटर होनी चाहिए जितनी आपकी 100 टाइम थी। क्यों? क्योंकि ऑडियंस डिफरेंट है, डे डिफरेंट है, माहौल डिफरेंट है, सर्कमस्टांसेस डिफरेंट है। ऑलवेज रिमेंबर, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन द डेकोरम एंड डिसिप्लिन इन द पब्लिक स्पीकिंग रूम और पब्लिक स्पीकिंग हॉल। अ फ्यू एडिशनल टिप्स टू नो योर ऑडियंस। अगर आप किसी कंपनी के बिहाफ पे बोल रहे हैं तो उस कंपनी की पूरी जानकारी होनी चाहिए आपके पास, आपके पार्टिसिपेंट प्रोफाइल, ऑडियंस प्रोफाइल की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, किस कल्चर के हैं, किस रिलीजन के हैं, क्या उनका डेमोग्राफी है, पहले से सब होमवर्क आपको करके रखना पड़ेगा। क्यों मैं कह रहा हूं ये? क्योंकि कुछ कल्चरल सेंसिटिविटीज और रिलीजियस सेंसिटिविटीज का ध्यान आपको एज अ पब्लिक स्पीकर रखना चाहिए। You should only speak what is appropriate in the public. Point number 4, have confidence. Yes, your confidence is the key. Your energy is contagious. Jitni energy aap dikhayenge, jitni confidence se aap stage pe rahenge, utna hi audience ke andar wo cheez rub off hogi aur utna hi aap audience ko hold kar payenge. Last and point number 5, keep practicing day in day out. Ji haan, kabhi bhi ये मत समझिए, कभी भी कंप्लेसेंट मत आइए, कभी भी कंफर्ट में मत जाइए। कीप प्रैक्टिसिंग डे इन एंड डे आउट, ईच डे इज अ न्यू डे, ईच स्पीच इज अ न्यू चैलेंज, ईच ऑडियंस इज अ वेरिड ऑडियंस। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपसे 5 टिप्स शेयर करी जो आपको पब्लिक स्पीकिंग में हेल्प करेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको कुछ टिप लगता है जो और इसमें ऐड कर सकते हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में हमको लिख के बताइए। स्किलिंग गुरु के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करना ना भूलें।